नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चार वर्ष पूर्व होने पर हुआ तहरीर भोज एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। हरदोई मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित सामाजिक संस्था भारतीय रोटी बैंक हरदोई में बीती 6 फरवरी को 4 वर्ष पूर्व हो गए संस्था को। 4 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में संस्था पदाधिकारियों द्वारा शहर में रवान भवन तहरीर भोज एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताओ मुख्य अतिथि हरदोई पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा, मधु डॉक्टर चित्रा मिश्रा विशेष अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सिंह मौजूद रही हैं। पालिका अध्यक्ष मधुर ने कहा कि भारतीय रोटी बैंक द्वारा की जा रही कार्यक्रम में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पदाधिकारियों के दिन रात जरूरतमंदों के मजलूमों को सेवा कर अत्यंत सराहनीय है। मैं रोटी बैंक का सदस्य पोटेंशियल का ब्रांच है और मुझे हरदेश जी ने अच्छी रोटी बैंक में ज्वाइन करा है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ग्रुप में कि काफ़ी यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं गरीब सहयोग हम लोग कंट्रीब्यूशन सभी का होता है और आगे भी जो भी कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और कौन सी बैंक है आपकी, क्या काम करती है? आज भारतीय रोटी बैंक या जो 4 वर्ष पूर्ण हुए हम लोगों की संस्था के सफलतापूर्वक भूखों बेसहारों जरूरतमंदों को भोजन वितरण का हम लोगों का कार्य रहता है। इसके स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तहरी भोज का भंडारा किया हुआ था। क्या ये बैंक है आपकी, कैसे काम करती है? या हम लोग कुछ युवाओं द्वारा मोहल्लों से रोटियां कलेक्शन करके वहाँ से रोटियाँ आ जाती हैं और महिलाओं की टीम बना के एक पर्टिकुलर एक स्थान पर वहाँ पर हम लोग रोटियाँ का पूरा पैकेट बनाते हैं। सब्जी रोटी अचार सलाद प्याज गुड़ और ये भोजन पूरा पैक होकर फिर सरकारी अस्पताल रोडवेज बस अड्डा अन्य जहाँ पे जो रोटी बैंक संस्था को 4 वर्ष आज हो चुके हैं। इस संस्था का निर्माण 6 फरवरी 2016 में हुआ और 6 फरवरी 2020 में इसको 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसकी खुशी में आज तहरी भोज का आयोजन किया गया है एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है, जिसमें हम लोगों को बेसहारों को मदद पहुंचाते हैं, हर प्रकार से भोजन की मदद पहुंचाते हैं, हमको वस्त्र पहुंचाते हैं और हमको जहां कहीं भी जो भी कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद दिख जाता है उसको हम तुरंत तत्पर होकर हर प्रकार से मदद पहुंचाने का सफल प्रयास करते हैं। और भारतीय रोटी बैंक की समस्त टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव चलती है और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को इंसान होने के नाते यदि कोई भी व्यक्ति आपको गरीब या सहारा असहाय कहीं भी नज़र आता है तो आप हमेशा उसकी मदद करें और अपनी मदद को हमेशा हाथ आगे बढ़ाएं और रोटी बैंक से